हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है आयस क्रांति और मैं हूँ आपका दूसरा आकेश जमैन। और फिर से आपके लिए लेकर आया एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज जो है मैं वापस अपने गांव आ चुका हूँ और 10 दिन बचे हैं यहाँ से हमें अंडरग्राउंड होने के लिए, मतलब एक दूसरे नए स्टेट में जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो 22 को हम निकलने वाले हैं, जुलाई को 2023 को, और आज की तारीख है 11 जुलाई 2023। मतलब यहाँ से बराबर 11 दिन का समय बचा हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना 10 दिन हम जब यहाँ पर खुद के घर में रह रहे हैं, तो इन डेज को हम जो है यूटिलाइज़ करें, वापस से खुद को रूटीन में लाया जाए। अराउंड 1.5 मंथ हो गया है हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि एक सैचुरेशन दिख रहा था मुझे और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो 10 डेज जो है अब मैं खुद को रूटीन में लाऊंगा, ताकि जब भी हम नए स्टडी रूम में पहुंचे अदर स्टेट में, तो फर्स्ट डे से ही हम मतलब वहां पे पढ़ाई करें। तो इसलिए अभी जो है अराउंड 6 बज रहे हैं और हमने सुबह खुद को उठाकर जल्दी से फ्रेश कर लिया पूरा, एंड अब रेडी है स्टडी करने के लिए। तो ये है नया रूटीन। मेरा गोल है 6 घंटे पढ़ाई करना, तो मैं 2-2 घंटे के स्लॉट में करूँगा। तो देखते हैं ये 10 दिन में क्या होता है। मैं आपको 10 दिन के बाद इसका रिजल्ट बताऊँगा कि 10 डेज मैंने कैसी पढ़ाई की। तो मैंने यहाँ पर 6th to 10th की साइंस की बुक उठा ली है, मैं उन पर एक बार फिर से ब्रशअप करूँगा, क्योंकि साइंस मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक बार अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मतलब पूरा बेसिक से पढ़ा जाए और स्टडी में इंटरेस्ट लाया जाए और एक रूटीन में खुद को ढाला जाए। तो आज का दिन सही में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आफ्टर 45 डेज मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ और एक फाइनल रूटीन का ये पार्ट है, और ये रूटीन को हमें मेंटेन करना है अनटिल और एग्जामिनेशन। मतलब 5 बजे उठना है और 6 बजे तक के रेडी होना चाहिए स्टडी टेबल पर। तो ये है वो साइंस की बुक का बंच जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज में। इतना मुझे ख़त्म करना है, ये तो मैं आराम से ख़त्म कर लूँगा। तो देखते हैं, यहाँ पर यह साइंस की 6th की बुक, यह है 7th की बुक, यह है 8th की बुक, यह है 9th की बुक और यह है 10th की बुक। और 10 डेज के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतना कितना इसमें से कंप्लीट किया। एंड अगेन हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो नोटबुक है मैंने एक बना ली है अच्छी मोटी वाली, तो इसमें जो है हम यहाँ पर उसके नोट्स बना रहे हैं। तो ये मैंने कल से स्टार्ट किया था, 6th से NCERT से, तो फर्स्ट लेसन का नाम फूड था। तो हमने इस तरीके से उसके नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, की पॉइंट्स उसके निकाल रहे हैं बराबर, और हर एक जो डिटेल्स जो हमें काम आ सकती है उसे भी कवर करते चल रहे हैं। तो शायद 10 डेज में ये जो बुक है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये है हमारे नेक्स्ट 10 डेज का प्लान, पूरा साइंस बेसिक से ख़त्म। ऑलरेडी मैं साइंस पढ़ा कर हूँ एज ए टीचर 7 ईयर्स से, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी होगा। तो चलिए अब इस जर्नी को पूरा करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट एक न्यू रूटीन का और एक फाइनल रूटीन का, इसे हमें किसी भी हालत में अचीव करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।